सो वेलकम बैक टू द वीकली टेक न्यूज ऑफ सैमसंग एंड वन प्लस। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन प्लस और सैमसंग के प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारे पास में काफी सारी लेटेस्ट टेक न्यूज निकल कर आई है वन प्लस के बारे में और सैमसंग के बारे में। सैमसंग के गैलेक्सी S21 FE से लेकर वन प्लस के वन प्लस 10 सीरीज तक हमारे पास में भर भर के डिटेल्स आई है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता था, नहीं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं हर वीक वन प्लस पर टेक न्यूज लेकर आता हूँ 5:30 बजे सैटरडे को, और अभी से हम लोग सैमसंग की भी ऐड कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली ये सेकंड एपिसोड है, लेकिन हर वीक ये आएगा। तो अगर आप लोगों को सैमसंग या अपने वन प्लस के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं देन हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं लगातार इन पर वीडियोज जो है लेकर आता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, तो आइए देखते हैं। तो आज की टेक न्यूज की यहाँ पर शुरुआत करते हैं दोस्तों सैमसंग से। बेसिकली सैमसंग का जो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE यानी कि फैन एडिशन स्मार्टफोन है दोस्तों, उसका ग्लोबल लॉन्च हो चुका है। खैर आप लोगों को ये पता ही होगा क्योंकि 2-3 दिन पहले इसका लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE है, इसके प्राइसिंग के बारे में हमारे पास में कुछ लीक्स निकल कर आई हैं दोस्तों। बेसिकली प्राइसिंग से पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसमें हमें 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। US वेरिएंट जो है वो Snapdragon 888 SoC के साथ में आएगा, लेकिन लीक्स आ रही है, र्यूमर्स आ रहे हैं जो कि सजेस्ट कर रहे हैं कि जो इंडियन जो स्मार्टफोन रहने वाला है, ये जो इंडियन वेरिएंट रहेगा इसका, वो रहेगा Exynos 2100 के साथ में। खैर ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, यहाँ पर इनको एटलीस्ट Snapdragon 888 तो यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लीजिए इसके रियर कैमरा सेटअप के बारे में। यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें ट्रिपल यहाँ पर 12 मेगापिक्सल के कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। और अगर वहीं हम लोग यहाँ पर बात करें ना इसकी बैटरी के बारे में, देन यहाँ पर हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जिसको चार्ज करने के लिए 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर यहाँ पर शायद इन द बॉक्स देखने को मिल जाए। शायद ही कहूँगा क्योंकि पक्का नहीं है, खैर देखते हैं कि क्या होता है। तो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE बेसिकली दोस्तों इसके जो प्राइसिंग के बारे में हमारे पास में जो डिटेल्स निकल कर आई है वो सजेस्ट करती है कि इसका जो प्राइस है वो हमें 50-60,000 के अराउंड देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो US प्राइस है वो 52,000 से स्टार्ट हो रही है, देन इंडियन प्राइसिंग तो दोस्तों इससे ज़्यादा ही रहने वाली है। खैर अगर ये 60,000 के अराउंड आता है, मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि कोई भी एक साल पहले वाले फ्लैगशिप प्रोसेसर के लिए 60,000 रुपये नहीं देने वाला है। मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा, आप लोगों का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़े देन जो कि आई है सैमसंग की गैलेक्सी एस सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग की जो गैलेक्सी S22 सीरीज़ होने वाली है, उसमें से जो S22 प्लस और S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन है उनके जो डिस्प्ले टेस्ट जो है उनका रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो S22 प्लस और S22 अल्ट्रा है, इसमें जो पीक ब्राइटनेस है वो 1750 निट्स की देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ऐसी इतनी ज़्यादा निट्स की यहाँ पर हमें ब्राइटनेस पहले किसी गैलेक्सी डिवाइस में नहीं देखने को मिली है। खैर ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि जो पीक ब्राइटनेस होती है ना वो यूटिलाइज होती है HDR में, तो आप लोगों को कंटेंट कंज्यूम करने में काफ़ी अच्छा जो है आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है दोस्तों। अगर आप लोग जो है प्लानिंग कर रहे हैं S22 प्लस या फिर S22 अल्ट्रा बाय करने की, तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं वन प्लस के टेक न्यूज़ के बारे में। बेसिकली यहाँ पर वन प्लस के बारे में बात करेंगे, देन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वन प्लस 9RT के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो वन प्लस 9RT है, इसका जो लॉन्च है वो 14 जनवरी को होने जा रहा है, और इसकी जो लॉन्च इवेंट है वो आप लोग जो है लाइव देख पाएंगे, वन प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख पाएंगे, और इसका जो YouTube चैनल है वन प्लस का, जो इंडियन YouTube चैनल है, मे भी वहाँ पर भी आप लोग जो है इसको लाइव देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि जो वन प्लस 9RT के लॉन्च के बाद में ना काफ़ी बड़े चेंजेस आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में कुछ लीक्स निकल कर आई हैं जो कि सजेस्ट कर रही हैं कि वन प्लस 9RT के लॉन्च के बाद हमें वन प्लस 9, 9R और 8T, ये तीनों स्मार्टफोन्स जो है डिसकंटिन्यू होते नज़र आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ लीक्स निकल कर आई हैं हमारे पास में 9, 9R और 8T के बारे में। दोस्तों बेसिकली देखा जाए देन ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी शॉकिंग लगी थी जब मैंने इस चीज़ के बारे में सुना था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे थे वन प्लस 9 को बाय करने, क्योंकि वो हैवी डिस्काउंट पर अवेलेबल था और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 9RT के लॉन्च के बाद इस पर और भी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी माना जा रहा है कि इसका जो लॉन्च के बाद में
9, 9R और 8T जो है वो डिसकंटिन्यू हो सकते हैं। इसके अलावा OnePlus 9RT के बारे में बात करी जाए दोस्तों, इसके जो है प्राइसिंग के बारे में हमारे पास में कुछ लीक्स निकल कर आई हैं, जो कि सजेस्ट करती है कि OnePlus 9RT का जो लॉन्च है वो हमें 40,000 रुपीज से देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो 8 and 128 GB वाला जो वेरियंट है वो हमें 40,000 रुपीज, और जो 12 GB रैम एंड 256 GB वाला जो वेरिएंट होने वाला है उसका जो लॉन्च है वो हमें 44,000 रुपीज का देखने को मिल सकता है। बेसिकली दोस्तों, ये अभी लीक्स ही निकल कर आई है, और ये जो लीक्स है ये टिप्स्टर योगेश बराड़ की तरफ से निकल कर आई है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए काफ़ी अच्छा रहा है, तो इनकी जो लीक्स है इनको डिनाई भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले बताया था आपको पिछली वीडियोज़ में, इसका जो लॉन्च है वो हमें 40,000 to 44,000 के अराउंड देखने को मिल सकता है, और अभी मुझे लगता है कि ऐसा होता नज़र भी आ रहा है। तो बेसिकली देखा जाए दोस्तों, OnePlus 9RT का जो प्राइसिंग है वो हमें 40,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती नज़र आ सकती है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और डिटेल के बारे में, जो कि 9RT के बारे में ही है। खैर यहाँ पर OnePlus ने टीज किया है इसका टच सैम्पलिंग रेट। जी हाँ दोस्तों, खैर ये चीज़ हम सभी को पता थी कि हमें चाइनीज वर्जन में 600 Hz का यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिला था 9RT में। सेम चीज़ हमें इंडियन वेरियंट में भी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन वेरिएंट में भी 600 Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलने वाला है OnePlus 9RT में। खैर ये चीज़ जो है काफ़ी अमेजिंग लगी मुझे कि इंडियन वेरिएंट में भी ये 600 Hz का टच सैम्पलिंग रेट लेकर आ रहे हैं, वो बेसिकली देखा जाए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो दोस्तों अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है OnePlus 10 सीरीज़ के बारे में। बेसिकली दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता था, यहाँ पर बता दूँ कि जो OnePlus की 10 सीरीज़ है वो लॉन्च होने जा रही है 11 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, 11 जनवरी को वो चाइना में लॉन्च होने जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि हमारे पास में लीक्स निकल कर आई हैं कि जो OnePlus 10 स्मार्टफोन है इसमें हमें देखने को मिल सकता है MediaTek का Dimensity 9000 SoC। जी हाँ दोस्तों, जो 2022 का जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है ना MediaTek का, वो हमें यहाँ पर OnePlus 10 सीरीज में देखने को मिल सकता है, सॉरी OnePlus 10 स्मार्टफोन में। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में OnePlus 10 Pro के बारे में भी हमारे पास डिटेल्स निकल कर आई हैं, जैसे कि इसके जो कैमरा सेटअप है उसके बारे में मेनली यहाँ पर डिटेल्स आई हैं। तो बेसिकली जो देखा जाए, जो OnePlus 10 Pro है इसमें जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होने वाला है ना दोस्तों, ये 150 डिग्री तक का एरिया जो है कैप्चर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपग्रेड है अगर देखा जाए अपने प्रीडिसेसर से। तो इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि Hasselblad के यहाँ पर Hasselblad 2.0 करके यहाँ पर मार्केटिंग करी जा सकती है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दूं मूवी मोड जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा Hasselblad प्रो मोड देखने को मिल सकता है, 10-bit कलर फोटोग्राफी जैसे फीचर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं OnePlus 10 Pro स्मार्टफोन में। बेसिकली देखा जाए दोस्तों, लॉन्च जो है इसका 11 जनवरी को चाइना में होने जा रहा है। खैर मैं तो इस स्मार्टफोन की काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, स्पेशली OnePlus 10 Pro की। देखते हैं कि क्या कुछ ये नया लेकर आ रहे हैं OnePlus 10 सीरीज में, और आप लोग बताइए क्या आप लोग OnePlus 10 सीरीज की वेट कर रहे हैं या नहीं, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में एक और चीज़ बता दीजिएगा कि क्या आप लोग OnePlus 9RT के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस टेक न्यूज़ में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, गिव अवे चल रहा है, जैसे कि आप लोगों को बताइए गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, रूल्स फॉलो करिए और आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। फर्स्ट विनर को मिलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और सेकंड विनर को मिलेगा 1000 रुपीज़ का कैश प्राइस। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, रूल्स फॉलो करिए और आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसी के साथ ही हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आर वीडियोज़।